बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहया बिन्नी सईद से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन्नी मसीब को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रहमान अल्लाह के दोस्त थे, सबसे पहले इंसान है जिन्होंने अपनी मूंछें कतराए और वह सबसे पहले इंसान है जिन्होंने बुढ़ापा यानी सफ़ेद बाल देखा। चुनांचे उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी देखा तो अरस किया कि ए मेरे परवदिगार, ये क्या है? परवदिगार का जवाब आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये वक़ार है, यानी इस बुढ़ापे की इलामत है जो इल्म और दानिश में इजाफे का बाइस और अज़्व वक़ार का ज़रिया है, और इसकी वजह से लहू लआब की मशगूलियात और गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवदिगार, ये तो तेरी बड़ी नियामत है, लिहाजा मेरी वक़ार में इजाफ़ा फरमा। गरामी क़दर दोस्तों, सर के बाल का सफ़ेद हो जाना इंसान के लिए मौत की बढ़ने और अल्लाह सुबहान ताला के सामने पेश होने के वक्त के करीब हो जाने का सिग्नल होता है। लिहाजा अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी अल्लाह के मर्ज़ी से गुजारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें।